नमस्कार दगड़ियों, मेरा नाम से दीपक पांडे और मैं आम्रपाली इंस्टीट्यूट बेल होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हूँ। यार तुमको पता होना कि संपूर्ण विश्व और भारत कोरोना महामारी जैस बीमारी लग गए एक जंग लड़ रहा, तो आशा कर लूँ कि यह कोरोना महामारी बीच में तुम अपने घर में आने ला सुरक्षित आने ला। तो ये लॉकडाउन है बीच में मिल रहा है, आप घर में छीन गरुड़ बागेश्वर में छीन। तो जब मैं घर आई तो मेरे गिलोई दिखे हैं, तो मैंने सोची कि उन्हें अब जी कुछ ड्रिंक बढ़ाया जाओ कि चाह टाइप का बढ़ाया जाओ। तो मिल अब जी एक चाह बड़ा और वह नाम धैरो मिल गिलोई हर्बल टी। गिलोई जो कि बेसिकली उत्तराखंड में गुर्जर नामों में जी बहुत फेमस छू। हर कोई दूसरा बंदे अगर गिलोई का नहीं भी छाड़ा जाऊ तो, अगर तुम है पहाड़ में गुड़ झुका जाऊ तो गुड़ झुका जरूर जानो। और दादी ये बात छो, अगर तुम पहाड़ में अभी तुम अगर पहाड़ी चीज़ नहीं पी तो तुम पहाड़ में अभी की जिंदगी नहीं जी। तो हिटो वीडियो में बात करने देखना कि चाह कैसे बनूँ छू। तो बेसिकली गिलोई चाह बनूँ ये पतील में तुमको पानी गर्म करूँ देना छू। कम से कम 6-7 गिलास पानी लेवे उमें तुम गिलोई का सिलबट्टे में थेज भी उबालू दे रो, और कम से कम वो 10-15 मिनट उबालो ताकि वह जो दूल जूस सीन वो हमारे पानी में निकल जाओ। जैसे कि हमें तुमको लागू कि गिलोई उबल गए और वह मैं रंग उड़ बजा तो तुम उनको छान दे एक भान में अलग धैर दियो और ठंडे करने लीजिए धैर दियो। अब वीडियो में हिलना बनूँ और तुमको बता लूँ कि हमको अपन चाह बना लीजिए के सामान चाहे। तो सबसे पहले हमको अपन गिलोई हर्बल चाह बना लीजिए चाहे गिलोई जूस जो कि तुम देख सकते कि मैं ऑलरेडी अपन निकाल भी दे रहे हैं। फिर बाद हमको चाहिए थोड़ा बहुत काजी नींबू और रस और थोड़ा बहुत गार्निश करने लीजिए पुदीना पात। स्टार्ट कर लूँ और बढ़ूँ हर्बल चाह। दूसरा चीज़ चाहिए हमको नींबू जूस, काजी नींबू जूस, और वह बाद हमको चाहिए थोड़ा पुदीन ताकि मैं गार्निशिंग कर सकूँ, और थोड़ा सा शुगर सिरप। अगर हम यूज़ करेंगे मैं थोड़ा पहाड़ी पीसे नूर जो कि लाछड़ा नूर छूँ। तो वीडियो के स्टार्ट करने में सबसे पहले हमको आपको गिलास ठंड करना बोल। तो गिलास ठंड करूँ मैं पहले टोंग तो नहीं और टोंग जग में भी चम्मच चूज करनी और वह भी जी मैं आपको गिलास पे चिल करनी। तो तुम देख सकते हो कि मैं गिलास वाला राउंड ठंड हो गूँ तो अब मैं उसमें 4 चम्मच शुगर सिरप ऐड करूँ। बेसिकली मैं ये दो चीज़ में एयरफल ऐड करने के लिए पेड़ में थोड़ा कड़वाहट हूँ और थोड़ा पहाड़िया नखार तुमको पत्ते भाई, तो थोड़ा बहुत पहाड़ी नखार करनी। तो मेरे मैं थोड़ा बहुत नई चीज़ ऐड कर दी तो थोड़ा टेस्टी बोल रहा हूँ ताकि अगर सब लोग पी सको और सब लोगों की इम्यून सिस्टम जो छू बढ़िया आ सकूँ। हमें मैं ऐड करूँ 2 चम्मच काजू नींबू रस और वह बाद हमें मैं थोड़ा बहुत यूज़ करूँ आपको पहाड़ी पीसी लहसुन नूर। अगर तुम चाहो तो मैं काला नमक या नॉर्मल नमक ले यूज़ कर सकता, बट पे वायर पहाड़ी नूर छू पीसी नूर तो मैं वही यूज़ करनी। तो वह बाद हमें मैं ऐड करूँ अपन जो मिल गिलोई रस बढ़ो रहा थी यानी कि जो गुर्जा मिल जूस बढ़ो रहा थी वो कहीं मैं ऐड कर लूँ और लास्ट में ये चम्मच से भी मिक्स कर लूँ। सो एक मिक्स करने का ध्यान देगा कि जदूला में मूल चीज़ डाल रही हूँ यानी कि अमूल नून और अपन शुगर सिरप और काजू नींबू रस डालो भली के ना मिक्स हो जाओ। तो अब तुम देख सकते हो कि मेरे लगभग लगभग मिक्स हो गो। तो लास्ट में जब ये मिक्स हो जाल एक लास्ट में पुदीना पाया तो भी गार्निश कर दो, और गार्निश करी बात या ड्रिंक लगभग लगभग तैयार है गए। और तुम देख सकते हो कि एक बिल्कुल एकदम नेचुरल लुक और एकदम नेचुरल कलर रहो। तो और ये ड्रिंक पीने में हेल्दी छू और इम्यून सिस्टम के लिए मजबूत करूँ, ये सर्दी और बुखार में बहुत कारगर छू। तो हमार गिलोई हर्बल टी बड़बे तैयार है गए। इंजॉय करो, घर में रहो, सुरक्षित रहो।